रीढ़ की हड्डी में अगर फ्रैक्चर हो जाता है तो अधिकतर मरीज का ये सोचना है कि दर्द तो जिंदगी भर रह ही जाएगा, पूरा दर्द तो ठीक होता ही नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप पूरा प्रिकॉशन लेंगे, जब फ्रैक्चर हुआ पूरी इंस्ट्रक्शंस जो हम आगे आने वाले वीडियो में बताने वाले हैं उसको पूरा अमल करेंगे, फॉलो करेंगे रिलीजियसली सिंसियरली, तो आपको 1% भी रीढ़ की हड्डी में दर्द नहीं रहेगा, आपको पता भी नहीं लगेगा कि आपको फ्रैक्चर हुआ था। तो आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि रीढ़ की हड्डी में अगर आपको फ्रैक्चर हो जाता है तो आप किन किन बातों का ध्यान रखें, क्या क्या पेशेंट अक्सर गलतियां करते हैं जिससे कि उनको थोड़ा बहुत दर्द बरकरार रह जाता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखना ना भूलें। मेरा नाम डॉक्टर पी के अग्रवाल, आई एम ऑर्थोपेडिक सर्जन प्रैक्टिसिंग इन दिल्ली। रीढ़ की हड्डी में हुआ फ्रैक्चर, सबसे पहले एक्सरे वगैरह कराते हैं, पेशेंट को एम्बुलेंस में लिटा के लेके जाएं, और फ्रैक्चर अगर बहुत ज्यादा नहीं है, माइनर है, तो आपको बहुत ज्यादा एडमिट होने की भी जरूरत नहीं, हॉस्पिटल में 2-3 दिन रह सकते हैं। बहुत ज्यादा फ्रैक्चर है, पांव में अगर कमजोरी आ गई है तो आपको ऑपरेशन कराना ही पड़ेगा। पेशाब का बंद हो गया है, पांव में कमजोरी आ गई है, अगर कमजोरी नहीं है, 30-40% कंप्रेशन फ्रैक्चर है D12-L1 का, तो आपको बहुत ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बट आजकल मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के हिसाब से काफी डॉक्टर्स स्क्रूज प्लेट लगाने की बातें करते हैं कि भी आप ऑपरेशन करा लें ठीक हो जाएंगे, लेकिन कोशिश करें कि आप ऑपरेशन से बचें। अगर पांव में वीकनेस नहीं है 2-3 जगह राय लें, मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसर की भी राय लें बिफोर गोइंग फॉर ए सर्जरी इन ए प्राइवेट हॉस्पिटल। कंप्लीट बेड रेस्ट करें कम से कम 3 हफ्ते 21 दिन। अगर लेडीज हैं तो पेशाब की नली लगवानी जरूरी है, क्योंकि रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर हुआ तो नीचे की तरफ ही होता है मोस्टली डोर्सोलंबर जंक्शन में, तो बार बार अगर आप उसको उठाएंगे पोर्ट लगाने के लिए तो रीढ़ की हड्डी पर जोर पड़ेगा, उससे फिर वो कमर में दर्द हमेशा रह ही जाता है हल्का हल्का। कुछ लेडीज जिद करते हैं कि हम नली नहीं लगवाएंगे, जेंट्स को तो नली लगवाने की जरूरत नहीं, बट लेडीज को पेशाब की नली कैथेटराइज कराना जरूरी है। 15 दिन के लिए कराएं, फिर 15 दिन के बाद एक बार और करा लें, 3-4 हफ्ते 1 नली लगवानी जरूरी है, कंप्लीट बेड रेस्ट जरूरी है। जब भी करवट लेनी है पेशेंट अपने आप करवट ना ले, घुटने बोड़े और एक उसको कोई अटेंडेंट नर्सिंग अटेंडेंट या कोई घर में कोई रिश्तेदार है अगर होता है तो एक हाथ आप कूल्हे पर रखें, एक हाथ रखें अपर बैक पे, और उसको पूरा लॉग रोल की तरह जैसे आप लकड़ी का गट्ठर है उसको आप इकट्ठा करके करते हैं रोल करते हैं, तो आपने घुटने मोड़े और पेशेंट को पूरा सपोर्ट किया, एक हाथ रखा कूल्हे पे एक हाथ रखा कंधे की तरफ और घुटने मोड़ लिए पेशेंट ने, राइट करवट ले सकता है पेशेंट, लेफ्ट करवट ले सकता है, एक ही करवट में ना लेटा रहे। इसके बाद एयर मैट्रेस का भी अगर यूज करें तो अच्छा है, अगर ओल्ड एज है, सेंसेशंस कम है, डायबिटिक पेशेंट है तो एयर मैट्रेस, एक वाटर मैट्रेस भी आता है लेकिन हवा का गद्दा थोड़ा बेटर होता है तो वो बिजली से ही चलता है, तो एयर मैट्रेस का यूज करें। इसके अलावा हॉस्पिटल बेड अगर लेंगे, अगर जगह है घर में हॉस्पिटल बेड आप खरीद सकते हैं तो वो भी आप ले लें। उसमें क्या रिक्लिनर होता है, आप जैसे पेशेंट को खाना खाना है तो आप 30-40 डिग्री बेड को इंक्लाइन कर सकते हैं, थोड़ा सा ऊंचा उठा सकते हैं। अगर आप पेशेंट 3 बार खाना खाएगा, अगर आप बार बार उसको बैठाएंगे तो कमर पे जोर पड़ता रहेगा, तो वो भी एक हल्का हल्का दर्द का बहुत बड़ा कारण है। काफी पेशेंट ये इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं, डॉक्टर्स अपने बिजी ओपीडी में बिजी शेड्यूल में इतना डिटेल में पेशेंट को नहीं समझा पाते हैं, तो ये सिस्टम का कमी है, ये किसी की कोई गलती नहीं है। तो आप उसको या तो आप हॉस्पिटल बेड ले लें, अगर जगह की कमी है तो नहीं तो एक रेंट पे एक चीज मिलती है उसको बोलते हैं मोटराइज्ड रिक्लिनर, RECLINER। कुछ कंपनीज हैं जो रेंट पे प्रोवाइड करती हैं, हमारे दिल्ली में तो एक कंपनी है मेडी रेंट नाम से, तो वो रेंट पे देते हैं करीब 5-6 हजार पे शायद रेंट लेते हैं एक महीने का, और वो मशीन शायद 50-60 हजार की आती है। एक मशीन आती है वो आपके गद्दे के आपका हॉस्पिटल डबल बेड का गद्दा हट जाएगा, गद्दे के नीचे उनका गद्दा लग जाता है और उसमें एक मशीन फिट होती है, तो आप रिमोट से अपना बेड जितना ऊंचा करना, टीवी देखना आपको, किताब पढ़नी है, खाना खाना है, तो आप 30-40 डिग्री पूरा आपकी कमर समेत तो पूरा बेड ऊपर होगा, तो वो बहुत एक अच्छी ऑप्शन है मोटराइज रेक्लिनर।
रेंट पे अगर नहीं मिलता है, आप कोई ऐसी जगह पे रहते हैं जो कि ये मशीन अवेलेबल नहीं है, तो आप हॉस्पिटल का बेड खरीद लें एक महीने के लिए और उसको फिर बाद में किसी गरीब संस्था को दान कर दें, हॉस्पिटल में दान कर दें। तो उससे आप बेड ऐसा वाला बेड लें जिसमें कि आप घुमा के थोड़ा ऊंचा कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट को कब्ज ही नहीं होनी चाहिए, लेटे लेटे कब्ज हो जाती है, तो उसको इसबगुल की भूसी दें, त्रिफला चूर्ण दें, दलिया खिलाएं, पपीता खिलाएं, सलाद खिलाएं, गाजर मूली खीरे ककड़ी वगैरह दोपहर को सलाद ज्यादा से ज्यादा खिलाएं, और लुकवॉर्म वाटर दें दिन में 3-4 बार, फ्रिज का ठंडा पानी ना पिलाएं। कब्जी होगी तो फिर बड़ी दिक्कत होती है, बवासीर हो जाती है उससे, तो मोशन आना 1-2 दिन में बहुत जरूरी है, तो उसके लिए लैक्सेटिव का भी दे सकते हैं, ज्यादा अगर कब्जी है तो इनिमा भी कर सकते हैं। कब्जी नहीं होनी चाहिए पेशेंट को। तो ये सब अगर छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारे पास काफी ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको फ्रैक्चर हुआ, कई जगह प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको ऑपरेशन सजेस्ट किया, लेकिन वो बाय गॉड्स ग्रेस वो हमारे पास आए, किसी अटेंडेंट ने रिकमेंड किया और वो आज बिल्कुल ठीक है। 50 पेशेंट है जो बिल्कुल 100% कोई कमर में दर्द नहीं है। 3 वीक्स के बाद उनको हम कमर की प्रॉपर स्पाइनल एक्सटेंशन एक्सरसाइजेस जो हमारे कुछ पिछले वीडियोस में भी हमने दिखाई है, वो भुजंग आसन टाइप का थोड़ा थोड़ा शुरुआत कराते हैं, बट एक्सरसाइज 2-3 महीने रेगुलर जरूर करनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, लाइक करना ना भूलें, हम आम जनता में जागरूकता फैलाने के लिए आए हैं, हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी एक दूसरे एक नए वीडियो के साथ आपको मिलेंगे। आई लव यू वासुदेव कुटुंबकम लोका समस्ता सुखिनो भवंतु। नमस्कार, धन्यवाद।